सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। सो अभी दोस्तों हमने काफ़ी अरसे बाद खड़ू और भृगु को उठाया है। ये है भृगु और ये है खड़ू। भृगु जो है दोस्तों वो आदि हो चुका है, लेकिन जो खड़ू है ये वाला, ये बिल्कुल भी आदि नहीं हुआ। भृगु को शरीफ गुल ने आदि किया हुआ है। शरीफ गुल, अभी जो तुम कुछ देर पहले वो टेक्निक बता रहे थे वो थोड़ा करो। वो बिल्ली वाली टेक्निक नहीं है जिसकी वो कमर जमीन पे नहीं आती। अच्छा, इसका भी नहीं आता है। क्या बात कर रहे हो? ये मैं छोड़ता हूँ, कमर इसका नीचे नहीं आएगी। अबे ये क्या है, तो उल्टा गिरा है ना तू? हाँ, मैंने उल्टा गिरा है, देखो उल्टा गिराता हूँ इसका। ये हवा में खुद ही? हाँ, हवा में खुद ये। नहीं, तुम इसका जमीन के करीब ऐसे करो। ऐसे ये देखो सब इसको। अच्छा, इसको करो, इसको करो भृगु को, मुझे दो इसको करो थोड़ा सा। ये बहुत डरावा भी है, ठीक है ना, आराम से। अरे ये गिरा है मेरे ख्याल से। नहीं, ये भी नहीं गिरते, ये भी नहीं करते, ये देखो। अरे वाह, सब्र कर थोड़ा सा, थोड़ा। ये देखो भृगु आराम से बैठा हुआ है, नजदीक है। ये कैसे कर लेते यार? अब भृगु का डांस बोले सिंगम स्टाइल, सिंगम स्टाइल। यार भृगु कड़ू इतना डरा हुआ है, इसके लिए म्यूजिक नहीं लगाते शेरी बोल। म्यूजिक और टिकटॉक वाला म्यूजिक लगाते। कौन सा म्यूजिक? वो जो अभी तूने गाया हुआ है। डिस्को डांस कराओ इसको, डिस्को डांस। हाँ, वो था सिंगम स्टाइल। अबे क्या बैक फ्लिक मारा है इसने? बैक फ्लिक नहीं, फ्रंट फ्लिक भी मारता है ये। नहीं नहीं मत करो बस। अच्छा अच्छा, डर जाएगा बोर्ड ऊपर से। मैं जमीन पे जाते हो? नहीं जाते, नहीं जाते खड़ू। काफ़ी अरसे बाद दोस्तों खड़ू और भृगु को हमने पकड़ा है और जो है ना इनके साथ खेल रहे, आराम से बैठे हुए। चलो बस अभी दोस्तों इनको छोड़ते। खड़ू भृगु जाओ, भागो भागो। अबे जा भी नहीं रहा है, भागो। वो सामान क्या नहीं है? ट्राली, ट्राली और ट्रैक्टर। अच्छा, उससे जब सामान गिरती है देखो ऐसे ही करते है। भाई इसको दर्द होगा। चलो छोड़ दो इसको शरीफ, पानी लियो, पानी आ जाओ, बाकी चीजों को देखते। कल जो दोस्तों हमने राजकुमार को यहाँ पर बंद किया हुआ था, रानी को भी साथ में हमने बंद कर दिया है। सो ये दोनों भी यहाँ पर ही रहेंगे। बाकी दोस्तों रानी का जो चूजा है वो अभी खुला हुआ है और इधर उधर घूम रहा है, उसको हमने अलग कर दिया, लेकिन वो बार बार यहाँ पर आकर खड़े हो जाता है रानी के लिए। सो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में जो है वो फिर आदि हो जाएगा और खुद अपना केयर रखेगा। अभी पता नहीं कहाँ घूम रहा है, अभी तक तो यही पर ही था, लेकिन गया भाव का किसी केज में। हाँ भाई, अगर इसी में किसी ने इसको हाथ भी लगाया या मुंह लगाया तो उसको मैं ज्यादा खाना दूंगा। देखो ये तुम क्या, भाई सारे डर रहे इससे। डर रहे सारे के सारे, डर रहे इससे। अभी दोस्तों मैंने एक चीज़ नोट की है और वो ये कि हम सुबह के वक्त इनके लिए जितनी भी डाइट होती है वो हम ले आते हैं और यहाँ पर इस खानक में रख लेते। अब सुबह के टाइम ये पेट भर के खाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद बस थोड़ा थोड़ा आते रहते, खाते रहते और जाते रहते। सो ये जो सिस्टम है ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। आज के बाद मैं ऐसा करूँगा दोस्तों, जितने भी मैं डाइट लाऊँगा सुबह के टाइम में थोड़ा सा दे दिया करूँगा और फिर जब इनको भूख लगेगी असर के टाइम में थोड़ा सा इनको दे दिया करूँगा। सो इससे डाइट हमारा ज़ाया भी नहीं होगा और ये मज़े से खाएंगे भी। दोस्तों बजीज के डाइट के ऊपर शापर पड़ी हुई है जिसकी वजह से बजीज नीचे लगे हुए खुराक के लिए, तो इनका मैं ये शापर भी हटा देता हूँ दोस्तों और इनके लिए अलग सा पानी भी ले आता हूँ। भाई ये देखो इनके दाने के ऊपर शापर पड़ी हुई है जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ से दाना ज़्यादा खाया नहीं है। तो थोड़ा बहुत अभी भी है दाना, कल मैं फिर चेंज कर लूँगा। बाकी पानी इनका मैं चेंज कर लेता हूँ। थोड़ा सा इनका दाना ले आओ, ठीक है ना? अब इसको क्या करते हैं, ये पुराने दाने? इसको मैं यहाँ पर गिरा दूंगा यार, अभी इनके बच्चे तो इनको पेट भर के खाना चाहिए ना। ठीक, वहाँ से गिरा रहे हो? चलो थोड़ा सा और,
बस इतना काफ़ी है शरीफ। बस दोस्तों ये वाला दाना इनके लिए अलग सा और वो पुराना वाला है भाई। ये शरीफ गुल ने जो है यहाँ से दरवाज़ा बंद कर दिया। शरीफ गुल ओए, अब ये देखो ये बेरा बन गए। ओए दरवाज़ा खोल, उसको सुनाई नहीं दे रहा। अबे यहाँ पे तूने दरवाज़ा बंद किया भाई शरीफ गुल। इसको देखो इसके काम चेक करो। इधर इधर इधर, ये दरवाज़ा खोल यहाँ से। दरवाज़ा बंद कर दिया मैंने। खोल दरवाज़ा, क्यों बंद किया है? तू क्यों क्यों बदमाशी कर रहे है मेरे सामने? कब किए मैंने बदमाशी? यहाँ पर बैठ जाओ, बैठो। चल कॉल, आराम से कॉल, वरना ये मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई नहीं है तू भाई। तुझे मैं 5 रुपए वाला बिस्किट खिलाऊंगा दरवाजा को। टाइगर बिस्किट खिलाऊंगा। ठीक है ठीक है। या मिल्की वे, मिल्की वे बिस्किट खिलाऊंगा, लेकिन पैसे तूने देने होंगे। यार लैला का मजनू तो आ गया है, लेकिन मजनू यहाँ पर आदि नहीं हो रहा। ये देखो सारा दिन यहाँ पर चलाएंगे लगाती, इसके साथ क्या कर दे? इसकी दूसरी बीवी है। अच्छा कही बीवी, वो उसलिए रो रहा है कि यार मुझे निकालो इसके साथ, हमने जीना नहीं चाहिए इसको, हम ये हम हमारा हम साथी नहीं है। और लैला तो मजे से यहाँ पर बैठी हुई है, कहते तुम चलाएंगे लगाओ, जो भी करो तुम मेरे हो। यार कसम से लैला नहीं, ये मुझे हमें प्यारी लगती है। पता नहीं उसकी ये क्या चुड़िया, ये क्या, ये वो चुड़ैल चुड़ैल। भाई शरीफ गुल मुझे लग रहा है ये जंगली है यार। लैला तो आधी है और ये मेरे ख्याल से जंगली। ये देखो काट भी रहे बहुत। यार कितना काटेगा? काटो काटो, कितना काटो? नहीं काट तो इतना नहीं सकता, लेकिन काट तो रहा है ना। अरे छोड़ना नहीं इसको। इसका क्या यार, ये क्या वो दुकान के अंदर कुछ चीज यार, इसको फिर छोड़ देते हैं ना शरीफ गुल, ये उड़ सकता है। ये हमारा लैला है। लैला तो आधी है ना, ये देखो आराम से बैठ जाती है। उसके साथ क्या कर दे? इसको छोड़ते? क्यों छोड़ते यार, वो बेचारा जंगली है ना, वो यहाँ पर आदि नहीं होगा अभी। अभी ये तो नहीं उठ सकता है। वो क्यों? जब हमसे भाग गया था बच्चे ने वापस पकड़ा है, वहाँ पर गया था, तो इसके उड़ने का मतलब। लैला लैला तो मजे से बैठ जाती है। देखो ऐसी हूँ लैला। लैला भी कह रही है मैं बहुत प्यारी स्वीटी सी लड़की हूँ, इसको भगाओ, हमारे लिए अच्छा सा ले आओ। दोस्तों हमारी लैला जो है वो आधी है, और जो उनका मजनू अभी नया आया है वो आधी नहीं है। अब ये तो आराम से यहाँ पर बैठ जाती है, हाथ पर भी बैठ जाती है, कंधे पर भी बैठ जाती है, लेकिन मजनू नहीं बैठता है। चलो इसको वापस से बिठाते शरीफ गुल, चल तू जा। अभी भी दोस्तों सारे के सारे नीचे वाले खाने में लगे हुए हैं, और ऊपर लवबर्ड अकेला जो है वो दाना खा रहा है। दोस्तों हमारे ये वाले दो चूज़े जो है इनके इनमें से इस एक की आँख जो है बिल्कुल बंद हो गई है, एक साइड पर इसको बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं देता ये वाली जो आँख है, और दूसरी साइड आँख इसकी बिल्कुल ठीक है। सो ये भूल गई है, वही पुरानी वाली बीमारी है जो पहले हमारे चीज़ों में आया करती थी। और अभी इसके ऊपर मैंने अभी भी मरहम लगाया है, जैसे कि आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा थोड़ा सा ये गीला। इन दो चीज़ों की दोस्तों ख़ास बात ये है कि ये बहुत मेहनत करते हैं और पेट भर के खाना खाते हैं, इसी वजह से ये अभी तक बचे हुए हैं। वो वाला तो माशाल्लाह से बहुत एक्टिव है, ये भी एक्टिव है अभी तक, इसे बैठा हुआ नहीं है, लेकिन इसकी ये बीमारी है। और पिछले 2 दिनों से मैं इसको नोट कर रहा हूँ। सो यार ये तूने क्या फजूल बात की? क्या क्या कह के मेहनत कर दी? रोटी पे तो हर कोई मेहनत करता है भाई। वो खाना ही छोड़ देते थे ना पहले हमारे चूजे होते थे। यार जिसकी तबीयत खराब हो जाती है वो खाना छोड़ देता है, तो इसकी भी तो खराब है। इसने काम, ये काम नहीं, ये काम हम इसने कर देते तो हम कहते कि यार ये मेहनत से काम करते, लेकिन काम तो नहीं करे भाई। ये मेहनत कर रहे, मतलब इसको बीमारी लग रही है ना, फिर भी ये खुराक कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ऐसे झुक नहीं रहा। इसकी आंख बीमार है, इसकी तबीयत तो ठीक है, तबीयत तो खराब नहीं है। इसी के साथ तबीयत भी खराब हो जाती है ना। दोस्तों पिछले हमारे चूजे होते थे वो जिनकी आंख खराब हो जाती थी वो बैठ जाते थे, फिर ना खाना खाते थे, कुछ भी नहीं खाते, जिसकी वजह से वो मर जाते थे। लेकिन ये जो दो चूजे है माशाल्लाह से खुराक बहुत अच्छी तरह से करते हैं, इसी वजह से ये जो है ना फाइट कर रहे हैं अपनी बीमारी के साथ। अगर आप लोगों को इसका सलूशन मालूम है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बाकी एक आध दफ़ा मैंने इसको साफ़ भी किया है अच्छी तरह, इसके ज़ख्मों को, सारी जगह को, और फिर से ये जो है इसकी आँख बंद हो गई है। एक दफ़ा मैंने इसकी आँख खोली भी थी। सो अभी अगर ये कुछ दिनों में ठीक ना हुआ तो फिर इसको दोस्तों हम हॉस्पिटल लेकर चले जाएँगे। पानी साफ़ कर दी ये दोस्तों, डक्स को भी बंद कर दी।
तो दोस्तों अभी डक्स को बंद कर दिया है, डक्स को अलीहदा बंद कर दिया और साथ में हमारे डगी भाई और नानी वाले को अलीहदा से बंद कर दिया है। ए बबलू भी यहाँ पर खड़ा हुआ है, भाई अंदर जा। तो दोस्तों सारी चीज़ों को हमने बंद कर दिया है, ब्लैकीज और मुर्गियों वगैरह सब को बंद कर दिया है। तो बस आज की वीडियो इतनी थी, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।